होते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज़र हैं जिन्होंने अपने पीसी में जो है अनलॉकिंग टूल इंस्टॉल कर रखा है, लेकिन आप लोग जो है अनलॉकिंग टूल से जब भी आप क्वालकॉम के सीपीयू को जो है फ्लैश करते हो या जो है उसके एफआरपी को निकालते हो तो ईजिली तरीके से नहीं होता, क्योंकि बहुत सारे जो है ड्राइवर आपने इंस्टॉल नहीं कर रखे हैं तो उसके वजह से ये प्रॉब्लम फेस होता है। आप लोग को अपने का ड्राइवर आपके पीसी में इंस्टॉल होना चाहिए ताकि आप उस फ़ोन को अच्छी तरीके से जो है आपका फ़ोन डिवाइस कनेक्ट हो पाए आपके पीसी के थ्रू, ताकि जो है अच्छे से फ्लैशिंग हो पाए। क्योंकि ऐसे यूज़र है जो अभी भी जो है डाउनलोड कर रखे हैं अनलॉकिंग टूल या जो है क्वालकॉम वाले जो है एम, तो वो सोचते हैं कि हम बस जस्ट डाटा केबल लगाएंगे हमारा फ़ोन फ्लैश हो जाएगा। ऐसा कुछ होने वाला नहीं। कई सारे जो है ड्राइवर आपके पीसी में इंस्टॉल होने चाहिए, क्वालकॉम ड्राइवर है, एमटीके ड्राइवर है, ये सब ड्राइवर आपके पीसी में इंस्टॉल होने चाहिए, क्योंकि बहुत सारे ऐसे यूज़र है जो काफ़ी देर से कर रहे हैं लेकिन उनका फ़ोन फ्लैशिंग नहीं हो रहा है, कनेक्टिंग नहीं हो रहा है, बस तो लगे हैं। लेकिन ऐसे में आप लोग को अपने पीसी में अपने फ़ोन का ड्राइवर इंस्टॉल करना होगा। गूगल में यूएसबी ड्राइवर मिल जाता है, कोई दिक्कत नहीं होती, बस यूएसबी ड्राइवर से आप लोग फ्लैश करिए और उसके बाद आपका फ़ोन फाइनली फ्लैशिंग हो जाएगा। जो जो स्टेप और जो जो मॉडल और सिलेक्शन दिए गए हैं, एफआरपी है, गूगल है, तो आप लोग इजीली तरीके से निकाल सकते हो और फाइंड माई डिवाइस ऐप के भी थ्रू आप अपने फ़ोन को फ्लैश कर सकते हो। ये सब छोटे मोटे आप लोग को बेसिक नॉलेज होने चाहिए ताकि आप अपने फ़ोन को फ्लैश कर पाओ। और कई सारे ऐसे यूज़र होंगे जो अभी भी कमेंट करेंगे कि अभी भी हमारा नहीं हो रहा है, और हमने काफ़ी सारे वीडियो ओप्पो के ऊपर भी बना रखे हैं जिनमें आप लोग को फ़ोन फ्लैशिंग करने के बावजूद भी लॉक हो जाता है लेकिन तब पर भी नहीं खुलता। तो आपको समझ लीजिए आपके फ़ोन में सिक्योरिटी लॉक है, वो भी फ्लैशिंग होगा, लेकिन कुछ जो है आपको ट्रिक फॉलो करने पड़ेंगे। और जो रहा ये फ़ोन जो है EMI वाला फ़ोन जो है लॉक हो जाता है, उसे कैसे करें, उसके लिए मैंने एक अलग से वीडियो बनाने वाला था, लेकिन वो सब वीडियो पे स्ट्राइक आ जाती है, ये सब डिटेल में नहीं बताता, क्योंकि मैंने अभी जो है मेरे दूसरे चैनल सेकंड लक पे स्ट्राइक थी, उसे मैंने अभी जो है 25 अप्रैल को आया था और फाइनली जुलाई में ख़त्म हुआ, 90 दिन चला, यानी कि 3 महीने स्ट्राइक रहती है, दूसरी स्ट्राइक थी तो फाइनली रिमूव हो गया। ऐसी कोई मिस्टेक नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि मैंने उस पर पूरा डिटेल में वीडियो डाल दिया था, हाउ टू मेक डुप्लीकेट फिंगरप्रिंट, तो ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगा और ऐसी मिस्टेक नहीं करूँगा फिर से दोबारा, क्योंकि ऐसी मिस्टेकें नहीं करनी है, क्योंकि यूट्यूब के गाइडलाइंस के खिलाफ आप नहीं जा सकते। पूरे डिटेल में नहीं बताना है आपको वीडियो, बस आप समझा सकते हो। तो यही था, आप लोग वीडियो देखो और चैनल को सब्सक्राइब करो। और कैसा लगता है हमारा ये वीडियो, कैसा लगता है हमारा आपको ये हमारा वीडियो कैसा तो वीडियो देखो, लाइक करो, चैनल सब्सक्राइब करो, और भी कुछ पूछना रहे कमेंट कर दिया, मैं डिटेल में नहीं जा सकता। चलिए आज की इस वीडियो में मैं जब भी अपना फेसबुक पेज बना लूँगा वहाँ पे कभी कुछ ऐसे चीज़ें आप लोग को बताने रहेंगे तो वहाँ पे मैं बता दूँगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक लीजिए, बाय फ्रेंड्स।